चश्मे की वजह से एक तो मुझे यहाँ आईज में पेन रहता है, और दूसरी बात ये जो ये वेन्स है ना, ये वेन ऐसे अंदर से चटक 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 करती है, इस वजह से मेरा पूरा सिर भारी हो जाता है, तो बंदा क्या करेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का वक्त है और डिम्पी कर रही है बिस्तर ठीक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय डॉक्टर। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज मेरे रूम में मकड़ी आ गई। भाई छोटी सी मकड़ी आ गई है, देखो टुक टुक बोल रहा है, इस मकड़ी को भगाओ घर से। ये रही देखो, मकड़ी काटती थोड़ी है टुक टुक, ये जबरदस्ती डरते है मकड़ी से। भाई इस बोर्ड के अंदर चली गई हो तुम तो। भाई अभी हमारे टुक टुक के एलर्जी काफ़ी कम हुई है, दवाई का असर हुआ है। ये देखो दाने तो अभी भी दिख रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी रेडनेस कम हो गई और ऐसा लग रहा है जैसे अब सूखने लग गई है। तो गाइस डिम्पी लेके आ गई है हमारा नाश्ता, पाइनएप्पल जूस है और पोहा। तो नाश्ता कर लेते हैं। ये माथे पे क्या बांध रखे? वो तो कपड़े। कौन से कपड़े? काटे हुए कपड़े। मशीन से मम्मा सिलाई कर रही है, तो मम्मा ने इसको काट दी, तो मैं पहन के आ गई और मैं ट्रेनिंग से बन गया। क्या बोला तूने? जैसा आपने कल देखा होगा व्लॉग में, मैंने डिम्पी की आई चेक करवाई थी और इसके नए नंबर आए, तो अब हमें नया चश्मा बनवाना पड़ेगा। उसी के लिए अब हम जा रहे हैं। चलो भाई लेट्स गो टुकटुक, लेट्स गो टू मार्केट। मैं वो ऐसे पोज दूंगा क्योंकि डीडा डाल रहा है, तो पीछे तो डीडा बस अच्छे जाएंगे, तो डीडा बस बस मतलब गाड़ी की साइड बताएगा। उसी के लिए मुझे कह रहा है कि मैं आपको गाड़ी के पोज बताऊंगा। ये मुझे गाड़ी की साइड दिखाएगा? अरे यार तू बहुत है, पहले से इसको एलर्जी हो रही है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये खुद ही बोल रहा है। नहीं आप इसकी बातों में आ गए, ये बच्चे अपन बच्चे थोड़ी है। बच्चे शैतान बच्चे, डांट पड़ी। ऑन करो आप गाड़ी, इतनी देर में गाड़ी भी गर्म ठंडी नहीं कर। अभी तो आया, 2 सेकंड तो हुआ है। तब तो लाए पड़ रही है गाइस, गाड़ी में आए हुए 2 सेकंड हुए, कह रही गाड़ी ठंडी नहीं करी। बाल्टी भर के पानी लिया तो डाल दे डायरेक्ट गाड़ी में। गाड़ी की बेचूंगा बर्तावड़ उतर पड़ो। भाई इतनी धूप में आए हम, बहुत ही जबरदस्त धूप पड़ रही है। हाथ पकड़ के रखना इसका, भाग रहे हो तो धूप की वजह से। डिम्पी और टुकटुक तो भागते हुए चले गए बहुत दूर, मैं रह गया पीछे। वो देखो वो जा रहे हैं। 10 seconds later। पहले डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर मिला। अब डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट हो गया तो भैया कह रहे हैं मेरे पास ग्लास अवेलेबल नहीं है। हम इतनी धूप में आए परेशान होके, लेकिन कोई सेंस नहीं निकला। शाम को ही आना पड़ेगा 6 बजे। अब घर गोइंग टू होम। पैसा बर्बाद। इतनी धूप में आए हम और चश्मे का काम नहीं हो पाया। हमने उसको जो डॉक्टर की स्लिप थी वो दे दी और शाम का 6 बजे का टाइम दिया, तो एक बार 6 बजे शाम को हमको वापस आना पड़ेगा चश्मा बनवाने के लिए। तो भाई चले घर, चलते हैं। चलो तो भाई हम आ गए घर पर। चलो भाई, इतनी धूप में जाके आए और फायदा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। मोगरे के फूल कितने सुंदर आए गाइस। तो घड़ी में दिन के हो गए 1:45 और हम आ चुके हैं घर पर, और डिम्पी लेके आ गई हमारे खाना। हमेशा की तरह दोनों हाथ में सारी चीजें लेके आई है, नमकीन दाल और दही। तो खाना खा लेते हैं। क्यों बेटा आपके हाथ गंदे, आपको ग्लास भी नहीं पकड़नी का लोशन के। गाइस अभी पता नहीं है मुझसे क्यों गुस्सा हो रहा था, तो उधर जाके बाहर जाके छुप गया। अरे वो उसके लोशन से जलता है ना, तभी चिड़चिड़ा रहता है। अच्छा, और आपने उसी समय आके इसको छेड़ दिया। तो डिम्पी बना रही है मेरे बाल चूड़ा, और इसके बाद हम जाएंगे डिम्पी के चश्मा बनवाने, क्योंकि दिन को गए थे तो उसने बोला था शाम को आना वापस 6 बजे। तो अभी 6:15 हो चुके हैं शाम के, तो अब हम वापस जाएंगे डिम्पी के चश्मा बनवाने। भाई मौसम बहुत ही बदल चुका है, दिन को तो बहुत तेज धूप थी और अब ठंडी हवाएं चल रही है और हल्की फुल्की बारिश भी आई है, और बारिश आने की संभावना हो रही है। देखो ग्लास पे हल्के हल्के छींटे हो रखे हैं बारिश की बूंदे इक्की दुक्की, और सामने बादल हो रहे हैं बारिश के। मेरे फेस पे ठीक लग रहा है। वो लगा कौन सा लगाऊं? मेरा वाला। ये तेरा वाला क्यों लगाएगी पागल? कौन सा कह रहे हैं? ये छोटा है। तो गाइस चश्मे का काम फाइनली हो गया, बड़े इंतजार के बाद डिम्पी का चश्मा बन गया है। ये जो चश्मा पहन रखा है इसे ग्लास चेंज हो चुके हैं, फ्रेम वही है, और एक और नया चश्मा बनवा लिया। अच्छा दिख रहा है, अच्छा जोर नहीं पड़ रहा आंखों पे सिर पे है ना।
क्लियर दिख रहा है एकदम। बाकी दिमाग पे? दिमाग पे तो जोर पड़ रहा है। दिमाग सही है। तो गाइज हम आ चुके हैं मार्केट से घर पर। 6:15 गए थे, 8:15 हो रहे गाड़ी में, 2 घंटे लग गए। लेफ्ट आई से राइट आई से एकदम कंफर्टेबल दिख रहा है ना, मुझे आंखों में दर्द ना मुझे सिर में दर्द, अब मेरा दिमाग भी सही हो चुका है गाइस, है ना। पिछले 10 दिन से लगातार हम कभी डॉक्टर के, कभी चश्मा घर के चक्कर काट रहे, कभी अपॉइंटमेंट, कभी चेक कराने के लिए, कभी लाइन में लग रहे, कभी वापस आ रहे, कभी वापस जा रहे, लेकिन फाइनली अब डिम्पी का चश्मा बन चुका है। तो कैसा लग रहा डिम्पी? बहुत अच्छा लग रहा है शिव, जब भी मतलब आपको लगे कि मतलब मेरा दिमाग खराब है या सिर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका डाउट सिर्फ चश्मे पे जाना चाहिए कि हो ना इसका चश्मा ऊपर नीचे हो गया है ना। आपने तो शायद ऐसा सोचा होगा इसको किसी और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन देखो आपको जरूरत नहीं पड़ी, देखो थैंक्स टू मी कि आपको जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरी बात ये कि है ना मेरा चश्मा अगर ऊपर नीचे होता है तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। गाइज खुद कबूल कर लिया बंदी ने। गाइज तूफान आ रहा है, बहुत जबरदस्त तूफान आ रहा है भाई। बिजलियाँ देखो, बिजलियाँ ऐसी बिजलियाँ चमक रही ना, तेज बारिश आ रही है और बिजलियाँ चमक रही है, बहुत जबरदस्त बिजली चमक रही है, बैक टू बैक चमक रही है, बैक टू बैक, बैक टू बैक, मतलब रुक ही नहीं रही है बिजली, लगातार चमक रही है एकदम। इतना तूफान आ रहा है भाई, बहुत जबरदस्त तूफान आ रहा है। आप देखो बैक टू बैक बिजली चमक रही है, चार जिधर देखो बिजली बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश आ रही है, खतरनाक मौसम हो गया भाई, भयानक तूफान आ रहा, भयानक। तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है।